हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता फुलचंद गायकवाड़। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। देखिए, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1.5, द न्यू ड्रेस। आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड लेसन नंबर 1.1 टू 1.4। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन बोलो, सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज का। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेसन विथ फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एज यूजुअल। जैसे कि हम वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस मीनिंग पढ़ते हैं। आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन बिकॉज दिस लेसन इज वेरी लेंथी, बहुत बड़ा लेक्चर, इसलिए इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट वन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, चलिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो चलिए शुरुआत कर देते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द राइटर हुज नेम इज वर्जीनिया वुल्फ। ओके, हर टाइम पीरियड इज her time period was 1882 to 1941. She is from London. She was an English novelist and essayist. She is considered a modernist writer of the 20th century and pioneer of the stream of consciousness as a narrative device. So, students, यहाँ पर देखिए कि ये जो stream of consciousness आ गया है यहाँ पे word, इसको मैं आपको एक बताती हूँ. What is the in literature? अगर आप English literature में इसका अर्थ पढ़ते हो, द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ मेथड ऑफ नरेशन दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कैरेक्टर्स के दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो हमें इस लेसन में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इस लेसन थ्रू हम पढ़ेंगे। द कैरेक्टर्स थॉट्स आर थ्रोन एट अस वन आफ्टर द अदर जस्ट एज दे अक्योर इन द कैरेक्टर्स माइंड। समटाइम्स दे डू नॉट मेक सेंस बट दे ट्रूथफुली रिप्रेजेंट द थॉट्स विदाउट एनी censoring or editing like this, and this is a narrative device. The glimpses of early modern feminism can easily be traced in her writing. The Voyage Out, To the Lighthouse, Orlando, and Mrs. Dalloway are her remarkable novels. ये novels उन्होंने लिखे हैं. And The Haunted House is her famous short story collection from which the present story, The New Dress, is adapted. ये The New Dress जो lesson है, this story has been adapted from her novel, from her short story collection, A Haunted House. इससे ये story ली है. The present story is about a Mabel Warning. Okay, Mabel Warning, this is the main character in this story, in this lesson, who is constantly thinking about her new yellow dress in negative terms. वो अपने येलो ड्रेस के बारे में हमेशा निगेटिव ही सोचती है. शी हर सेल्फ हैज चूजन द डिजाइन, उसने खुद ने वो डिजाइन चूज किया रहता है, कलर एंड पैटर्न ऑफ द ड्रेस विच शी हैज डिसाइडेड टू वेयर फॉर पार्टी एट मिसेस डालोवे. मिसेस डालोवे के यहाँ पर उनको पार्टी के लिए जाना है, उसके लिए उन्होंने खुद वो ड्रेस चुना है. हालांकि एट दैट पार्टी शी कीप्स थिंकिंग दैट द ड्रेस इज ओल्ड फैशन, और उस पार्टी में वो सोचती ही रहती है कि वो ड्रेस ओल्ड फैशन है. एंड एवरी वन इन द पार्टी इज मॉकिंग एट हर ड्रेस, और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, इस तरह से उसको लगता है. शी थिंक्स दैट शी इज अ फ्लाई एट द एज ऑफ द सॉसर ड्राइंग डीप एंड डीप. यानी कि फ्लाई यानी कि हमको जो पता है कि मक्खी एट द एज ऑफ द सॉसर, यानी कि जो कप होता है चाय का, पहला जो रहता है चाय का जो कप होता है, उसके बाजू में घूम रहे एक मक्खी की तरह वो खुद को फील करती है जो कि चाय के अंदर डूबती ही जा रही है. एज शी कम सीरियसली अंडर द स्पेल ऑफ हर ओन निगेटिव माइंड इन अ डिप्रेशन लीव्स द पार्टी. और वो इतनी डिप्रेशन में जाती है, इतना निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं कि वो उस पार्टी में अपने ही निगेटिव ख्यालों में खो जाती है. टू शो मैबल सरप्राइज डिजायर, यानी कि उसके जो मन में छुपी हुई जो आकांक्षाएं हैं, अनफुलफिल्ड एम्बिशंस, जो उसके ड्रीम जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, एंड मीगर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ हर चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड उसके बचपन में जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उसकी फैमिली की. वर्जीनिया वुल्फ हैज एम्प्लॉयड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वेरी इफेक्टिवली. और ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, ये इस लेसन थ्रू उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किया है, और हमको उसका जब हम पढ़ते हैं स्टोरी तो हमको भी फील आता है कि वो टेक्निक किस तरह से होगी. सो चलिए शुरुआत कर देते हैं. Mabel had her first serious suspicion that something was wrong as she took her clock off and Mrs. Barnett while handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स की ये देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ये इसमें जो आ गए जो वर्ड्स है जो बोल्ड किए गए हैं इसके यहाँ पर मीनिंग है, मैं आपको बता दूंगी. Mabel had her first serious
suspicion that something was wrong as she took her clock off and Mrs. Barnett, यानी कि मेबल के मेबल ने जो ड्रेस पहना था ठीक है, तो उसको उसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और उसके बारे में जब उसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है लाइक दैट। सो उसी टाइम पे ये जो मिसेस बार्नेट है, दिस इज द सेकंड कैरेक्टर इन द स्टोरी इन दिस लेसन। सो मिसेस बार्नेट वहां पे आ जाती है व्हाइल हैंडिंग हर द मिरर एंड टचिंग द ब्रशेस, तो वो मेबल के हाथ में वो जो आईना होता है वहां पे वो थमा देती है एंड वहां पर जो ब्रशेस रहते हैं मेकअप के जो ब्रशेस है उनको वो हाथ लगाती है एंड दस ड्रॉइंग हर अटेंशन, और मैबल का वो अटेंशन या पर उनका ध्यान वहां पर वो खींच देती है। परहैप्स रादर मैबल्स अप्लायंसेस फॉर टाइडिंग एंड इम्प्रूविंग हेयर कॉम्प्लेक्शन क्लोथ्स विच एग्जिस्टेड ऑन द ड्रेसिंग टेबल कन्फर्म द सस्पिशन। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वो ड्रेसिंग टेबल जो है जहाँ पर वो जो मेकअप का पूरा सामान है, सो वो जो फेस का मेकअप होगा या फिर उसके बालों को ठीक करना है या फिर उसके जो उसकी जो ड्रेस है जो उसने पहनी है, तो ये सारी चीजों की वजह से उसका ध्यान अपने आप अपने ड्रेस की तरफ चला गया और अब उसके मन में और ज्यादा फिर जो हम बोलते हैं ना सस्पिशन डाउट्स आ गए दैट इट वॉज नॉट राइट, कि ये कुछ तो गड़बड़ है, नॉट क्वाइट राइट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विच ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एज शी वेंट अपस्टेयर्स एंड स्प्रिंगिंग एट हर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एज शी वेंट अपस्टेयर। वेंट अपस्टेयर यानी कि उसको ऐसा लग रहा तो कुछ तो गड़बड़ है, कन्फर्म कुछ तो गड़बड़ है, और यही सोचकर वो क्या करती है ऊपर के ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर के माले पे वो चली जाती है एंड स्प्रिंगिंग एट हर विथ कन्विक्शन एज शी ग्रीटेड क्लारिसा डेलोवे। क्लारिसा डेलोवे के वहां पे ये जो होती है पार्टी होने वाली है तो वो वहां पर जाकर उनको मिलती है, वो उनके सामने आ जाती है। शी वेंट स्ट्रेट टू द फार एंड ऑफ द रूम, और वहां पर जो एक रूम रहता है तो उसके एकदम एंड में वो चली जाती है टू शेडेड कॉर्नर वेयर अ लुकिंग ग्लास हंग एंड लुक्ड, जहां पर एक आईना होता है जो टंगा हुआ होता है वो वहां पर लगाया गया है, तो वो उस आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। नो no, और बोलती है नहीं, इट वॉज नॉट राइट, ये गलत है, ये गलत हो रहा है। एंड एट वंस द मिजरी विच शी ऑलवेज ट्राइड टू हाइड, यहाँ पे देखिए मिजरी मीन्स व्हाट, ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट, यानी कि उसके मन में जो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, कि वो बोलती है, वो खुद से ही बात कर रही है कि ये सब कुछ एकदम ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ तो इसमें मिस्टेक हो रही है, और ये जो अपने दिल में उसके जो ये तूफान खड़ा हुआ है बुरे ख्यालों का या फिर बैड या फिर निगेटिव थॉट्स का, वो छुपाने के लिए द प्रोफाउंड डिससेटिस्फैक्शन, प्रोफाउंड मीन्स व्हाट, डीप और इंटेंस, जो उसके मन में अंदर तक ये जो डिससेटिस्फैक्शन है या फिर ये जो हम बोलते हैं ना कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है, द सेंस शी हैड हैड She had had ever since she was a child, यानी कि बचपन से उसके मन में ये जो कुछ बातें चली आ रही थी कि खुद को कम आंकना और being inferior to other people, दूसरों से वो खुद को कम आंकती थी, set upon her, और ये अभी उसके दिमाग में घर कर चुका था ये बात, relentlessly means oppressively constant, और बार 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 ये बात उसको इतनी परेशान कर रही थी, remorselessly भी ये बात उसको परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कि relentlessly means what, oppressively constant, यानी कि बहुत ही हम बोलते हैं ना hardly, and remorselessly mercilessly यानी निर्दयता से ये बात उसको खाई जा रही थी, विद एन इंटेंसिटी विच शी कुड नॉट बीट ऑफ, और इस बात को वो नजरअंदाज कर ही नहीं पा रही थी, ये बात उसके मन से जा रही रही थी। एज शी वुड व्हेन शी वॉक एट नाइट एट होम, और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि ये जो बातें इसके दिल में इतनी घर कर चुकी थी, वो रात में जब वो सो जाती थी वो अचानक से नींद से उठ जाती थी By reading Borrow or Scott, और ये Borrow or Scott यहाँ पर जो ये नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, कि Borrow
और स्कॉट ये जो एक किताब है वो पढ़ते पढ़ते फॉर ओ दिस मैन ओ दिस वुमन ऑल ओवर थिंकिंग व्हाट्स मैबल वेयरिंग, ये किताब पढ़कर वो सोच जाती थी और उसको ऐसा लगता था कि मैबल ने क्या पहना है, ये क्या पहन रही है, ये बातें उसके दिमाग में घर कर रही थी. व्हाट अ फ्राइट शी लुक्स, वो कितनी भद्दी दिख रही है. व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस, व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस, ये कितना गंदा ड्रेस उसने पहना है. देयर आई लिड्स फ्लिकरिंग एज दे केम अप एंड देन देयर लिड शटिंग रादर टाइट, और उसको ऐसा लगता था कि सब लोग उसको ही देख रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं. इट वॉज हर ओन एपलिंग इन एडिक्वेसी हर कावर्डाइज हर मीन. एपलिंग मीन्स वॉट, वेरी बैड और डिसप्लीजिंग. ये जो कुछ बातें थी उसको खुद के यानी कि खुद के लिए वो इतना बुरा फील करती थी, इतना एक निगेटिव सोचती थी. सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग अबाउट हर. हर कावर्डाइज यानी कि हम बोलते हैं ना कि वो एक डर था उसके मन में. हर मीन या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके मन में ये बात जो उसको खाई जा रही थी उसकी वजह से वो दुखी और उदास रहती थी. वाटर स्प्रिंकल ब्लड दैट डिप्रेस्ड होर, और ये जो उसका एक मन की एक हालत इतनी भयानक हो गई थी कि ये बातें उसको खाए जाती थी और इस तरह से वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी. एंड एट वंस द होल ऑफ द रूम वेयर फॉर एवर सो मेनी आवर्स शी हैड प्लान्ड विद द लिटिल ड्रेस मेकर हाउ इट वॉज टू गो. और क्या होता है कि अचानक से एक झटके में कि वो जिस रूम में बैठी है, ठीक है, तो वो अपने जो ड्रेसिंग टेबल है, मेकअप की जो टेबल होती है जहाँ पर मेकअप का पूरा सामान होता है, तो वो वहाँ पर बैठ जाती है. और उसके बाद वो उसको वो चीज़ भी ऐसा लगती है कि ये क्यों है. सीम्ड सॉर्डिड, सॉर्डिड मीन्स अनप्लीजेंट यानी कि वो नाखुश होती है. रिपल्सिव मीन्स अराउजिंग इंटेंस डिस्टेट और डिसगस्ट यानी कि उसको वो सब कुछ बहुत ही भद्दा गंदा दिखता है. एंड हर ओन डिस्टर्बेंसेस शैबी एंड हर सेल्फ गोइंग आउट पफ्ड अप एज शी टच द लेटर्स ऑन द हॉल टेबल एंड सेड हाउ डल टू शो ऑफ. तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वो बहुत ही इस बात से परेशान हो चुकी थी और अब ये सब उसको सिलीनेस यानी कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण लग रहा था. और एकदम हम बोलते हैं ना कि उसको उस बात का कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डल दिख रही है, बहुत ही भद्दी दिख रही है. लाइक दिस उसके मन में ये बातें घर कर चुकी थी और उसको ये बताना था कि All this show seemed untenable. How dull this to show off. All this now seemed unutterably silly, paltry and provincial. बहुत ही बेतुकी ये बातें हो चुकी थी for her. All this had been absolutely destroyed. और ये सब खत्म होना चाहिए. Shown up, exploded. The moment she came into Mrs. Dalloway's drawing room. जब वो Mrs. Dalloway's के drawing room में आती है, तो ये सब जो बातें उसके दिमाग में आ रही थी, तो वो सब बातें फटक से उठ गई. और अभी उसकी जो होप्स है वो देखिए उसके दिमाग में क्या आया. व्हाट शी हैड थॉट दैट इवनिंग व्हेन, कि उस शाम वो क्या सोच रही थी, उस शाम वो क्या कर रही थी. सिटिंग ओवर द टी कप्स, वो चाय पी रही थी. मिसेस डालवेज इनविटेशन केम, और उसी टाइम पे मिसेस डालवेज का इनविटेशन उसके पास आया. वॉज दैट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट बी फैशनेबल, और उसको ऐसा लगने लगा कि मैं तो इतनी फैशनेबल, तो उसको ऐसा लगने लगा कि क्या मुझे फैशनेबल बनना होगा, क्या मैं बन पाऊंगी फैशनेबल. एंड इट वॉज अब्सर्ड टू प्रटेंड इट एवन, और उसको ऐसा लगे कि ये हो ही नहीं सकता. फैशन मीन कट मीन स्टाइल मीन 30 guineas एट लीस्ट, बट वाई नॉट बी ओरिजिनल. और उसको ऐसा लग रहा था फैशन का मतलब क्या होता है, कट स्टाइल, और कम से कम 30 ये जो यहाँ पर आया है 30 guineas या कि वो टाइम की वो करेंसी है कि ये सब खर्च करना, इसको क्या फैशन बोलते हैं. व्हाई नॉट बी ओरिजिनल, जो है वो क्यों नहीं होता. व्हाई नॉट बी हर सेल्फ एनी हाउ, जो मैं हूँ वैसे ही क्यों नहीं हूँ, वैसा ही क्यों नहीं हो सकता. एंड गेटिंग अप, और वो वहां से फिर खड़ी हो गई. शी हैड टेकन दैट ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर्स, उसने अपने मम्मा का एक जो ओल्ड फैशन बुक वहाँ पर था उसकी मम्मी जो उसको वो उसने उठा लिया. पेरिस फैशन बुक ऑफ द टाइम ऑफ द एम्पायर, एंड हैड थॉट हाउ मच प्रिटियर मोर डिग्निफाइड एंड मोर वुमनली देवर देन, एंड सो सेट हरसेल्फ. और वो जो फैशन बुक था, ओल्ड फैशन बुक था जो उसकी मदर ने उसको दिया था, तो उस फैशन बुक में जो ओल्ड लेडीज थी, जो लेडीज का फैशन था, वो देखकर उसको ऐसा लगा ये कितनी पावरफुल दिख रही है, ये कितनी प्रिटी दिख रही है, ये कितनी डिग्निफाइड दिख रही है. सो ये ख्याल इसके
मन में आने लगा एंड बाद में वो बोलती ओ इट वॉज फुलिश ट्राइंग टू बी लाइक देम, और ये तो मूर्खता की बात होगी कि उनकी तरह दिखना, प्लमिंग हर सेल्फ इन फैक्ट। और वो ये बोल रही थी कि उनकी तरह दिखने के लिए जो कुछ भी करना है वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात रहेगी अपॉन बींग मॉडेस्ट एंड ओल्ड फैशन। और वो खुद ही ये बात बोल रही थी कि इसके लिए मॉडेस्ट भी होना पड़ेगा, ओल्ड फैशन होना पड़ेगा एंड वेरी चार्मिंग, गिविंग हर सेल्फ अप नो डाउट अबाउट इट, खुद को ऊपर उठाना होगा, खुद के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, टू एन एरोगी ऑफ सेल्फ लव, और खुद से हम बोलते हैं ना दिल खोल के प्यार करना होगा, विच डिजर्व टू बी चैस्टाइज्ड। और ये सब बातें जो उसको है कि ये उसको ऐसा लग रहा था ये कहीं पे तो वो फंस रही है एंड सो रिग्ड हरसेल्फ आउट लाइक दिस। और ये सब जो दिखावा है, ये सब दिखावा उसको ऐसा लग रहा था कि इसके लिए कोई तो हम बोलते हैं ना कि एक पेनल्टी होनी चाहिए या फिर कोई तो उसको इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको दैट शी विल बी पनिश्ड फॉर इट, इस तरह से उसको लगता है। बट शी डेयर नॉट लुक इन द ग्लास, लेकिन वो उस आईने में देख ही नहीं रही थी, शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर। उसको ऐसा लग रहा था कि ये तो भयानक दृश्य है, ये मुझे देखना नहीं है। द पेल येलो इडियटिकली ओल्ड फैशन सिल्क ड्रेस विथ इट्स लॉन्ग स्कर्ट एंड इट्स हाई स्लीव्स एंड इट्स वेस्ट एंड ऑल द थिंग्स दैट लुक सो चार्मिंग इन द फैशन बुक। फैशन बुक में तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी कि जो पीला कलर का ड्रेस था वो उसको लग रहा था ये बहुत ही बेथुका बेढंगा ओल्ड फैशन सिल्क ड्रेस है, ये एक लॉन्ग स्कर्ट की दिख रहा है, लॉन्ग स्कर्ट की तरह दिख रहा है एंड इट्स हाई स्लीव्स, इसके स्लीव्स भी कितने, इसके जो हाथ है ये भी कितने बड़े हैं, ये बहुत ही इडियटकली यानी कि बहुत ही बेढंगा बेथुका दिख रहा है। और वो ऐसा बोलती है कि ये फैशन बुक में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, बहुत ही चार्मिंग दिख रहा था, लेकिन रियल में बट नॉट ऑन हर, लेकिन जब उसने वो ड्रेस पहना तो बोल उसको ऐसा लगा कि उस पर ये ड्रेस नहीं जच रहा है, नॉट अमंग ऑल दिस ऑर्डिनरी पीपल, उन लोगों की तरह वो फैशन बुक की लेडीज की तरह वो इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी। शी फेल्ट लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर फॉर यंग पीपल टू स्टिक पिन्स इनटू, और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं एक पुतले की तरह हूँ जिस पर नहीं दुकान में जो ड्रेस मेकर्स रहते हैं, ड्रेस जो बनाते हैं, जो दुकान में पुतले खड़े रहते हैं जिन पर वो ड्रेस लगाया जाता है, लाइक दैट वो खुद को फील कर रही थी, जिस पर लोग आके जो ड्रेस मेकर्स जो आकर पिन डालकर चले जाए। बट माय डियर इट्स परफेक्टली चार्मिंग, रोज शॉ सेड। तो वहां पर रोज शॉ आ जाती है और उसको बोलती है माय डियर मेरी प्यारी ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है, लुकिंग हर अप एंड डाउन विद दैट लिटल सैटरिकल पकर ऑफ द लिप्स विच शी एक्सपेक्टेड। और ये सब बोलकर जो रोज शॉ है उन्होंने उसकी दिल खोल के तारीफ की। रोज हर्सेल्फ बीइंग ड्रेस्ड इन द हाइट ऑफ द फैशन, लेकिन रोज शॉ जो थी लेडी उसने भी बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, प्रीशियसली लाइक एवरीबडी एल्स ऑलवेज, और बाकी की लोगों की तरह भी उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना था। वी आर ऑल लाइक फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल ओवर द एज ऑफ द सॉसर, मैबल थॉट। लेकिन मैबल के दिमाग में तो यही चल रहा था कि एक जो चाय की जो ये रहती है, चाय का जो कप रहता है उसके बाजू में, उसके साइड में जो मक्खियां भिनभिनती है उसकी तरह ये फील हो रहा है। एंड रिपीटेड द फ्रेज एज इफ शी वर क्रॉसिंग हरसेल्फ, एज इफ शी वर ट्राइंग टू फाइंड सम स्पेल टू एन्यूअल दिस पेन, एन्यूअल यानी रिड्यूस टू नथिंग। और इसके दिमाग में, इसके दिल में जो दर्द आ रहा था बार बार, तो उसको ये कम करने के लिए कोई तो वहां पर है ऐसा लग रहा था, टू मेक दिस एगोनी endurable, और उसका ऐसा लग रहा था कि मैं जो खुद के बारे में सोच रही हूँ, मेरा दुख, मेरा जो दर्द है, ये कम करने के लिए कोई तो जादू ही काम करेगा, इस तरह से उसको लग रहा था। Tags of Shakespeare lines from book she had read ages ago suddenly came to her when she was in agony and she repeated them over and over again, flies trying to crawl. और वो बार बार एक ही बात उसके मन में आ रही थी कि जो मक्खियाँ जो रेंगती है, जो बार बार प्रयास करती है चाय की प्याली की तरह, पानी की तरह, इस तरह से मेरी ये हालत हो चुकी है, इस तरह से वो सोच रही थी। शी रिपीटेड वो बार बार वही बोले जा रही थी, इफ शी कुड से दैट ओवर ऑफन इनफ एंड मेक हरसेल्फ सी द फ्लाइज शी वुड बिकम नम चिल्ड फ्रोजन डम। अगर वो बार बार यही सोचती रहेगी तो वो नम डम चिल्ड फ्रोजन डम हो जाएगी, यानी वो सुन्न हो जाएगी, एकदम एक जगह पर ठंडी हो जाएगी और उसको कुछ बात भी नहीं वो कर सकती, इस तरह से वो खुद को एक उस पर्सनालिटी में डाल देंगे। नाउ शी कुड सी फ्लाइज क्रॉलिंग ऑफ अ सॉसर ऑफ मिल्क विद देयर विंग्स स्टक टुगेदर एंड शी स्ट्रेन एंड स्ट्रेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग ग्लास लिसनिंग टू रोज शॉ टू मेक हरसेल्फ सी रोज शॉ एंड ऑल द अदर पीपल देयर एज फ्लाइज।
और यहाँ पर देखिए जो हमारी मेबल शॉ है, सो उसके मन में यही बातें आ रही थी, मेबल के मन में यही बातें आ रही थी कि यहाँ के जो बाकी लोग हैं, ठीक है, यानी कि उस आईने के सामने खड़े होकर जो रोज शॉ मुझसे बोली है, सो मुझे ऐसा लगता है रोज शॉ और इधर के यहाँ पर जो बाकी के लोग आए हैं, ये लोग मुझे एक मक्खी की तरह देखने का प्रयास कर रहे हैं एंड मुझे किसी तरह से वो ऐसा दिखाने का प्रयास करे कि मैं बहुत ही गंदी भद्दी दिख रही हूँ एंड मैं एक ऐसी मक्खी की तरह हो गई वो जो ऊपर उड़ने का प्रयास कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही है एंड वो ऐसा उसको ऐसा लग रहा है कि जो बाकी के जो लोग थे वो उसको बहुत ही अच्छे दिख रहे थे बट वो खुद को बहुत ही डल डम फील करवा रही थी। ऐसा लग रहा था उसको कि वो खुद एक फ्लाई है एंड बाकी के सब जो है वो सब नाच गाना करने वाले, फड़फड़ाने वाले या फिर भिरभिराने वाले ड्रैगन फ्लाइज है एंड रोज शॉ एंड ऑल द पीपल देर आर फ्लाइज ट्राइंग टू हॉइस देमसेल्फ आउट ऑफ समथिंग और इनटू समथिंग मीग्री इनसिग्निफिकेंट टॉयलिंग फ्लाइज, यानी कि जो भिरभिरने वाले पंख होते हैं, पंख लेकर भिरभिरने वाली जो हमारे बोलते हैं ना जैसे कि बटरफ्लाइज, बट शी कुड नॉट सी देम लाइक दैट, नॉट अदर पीपल, शी सॉ हरसेल्फ लाइक दैट, शी वॉज अ फ्लाई, यानी कि वो खुद को एक मक्खी की तरह महसूस करवा रही थी बट द अदर्स वर ड्रैगन फ्लाइज, और बाकी के जो हैं वो चतुर जो फ्लाइज रहते हैं उनकी तरह बटरफ्लाइज, हम बोलते हैं कि बटरफ्लाइज मीन्स वॉट, जो बटरफ्लाइज उड़ती रहती है हवा में, ब्यूटिफुल इंसेक्ट्स यानी सुंदर कीटक, डांसिंग, फ्लटरिंग, स्कीमिंग वाइल द अलोन ड्रैग्ड हरसेल्फ अप आउट ऑफ द सॉसर। वो उसको ऐसा लग रहा था कि बाकी के लोग तो कितने अच्छे दिख रहे हैं और मैं ही सिर्फ एक फ्लाई की तरह यहाँ पर दिख रही हूँ। एनवी एंड स्पाइट द मोस्ट डेटेस्टेबल ऑफ द वाइसेस वर हर चीफ फॉल्ट्स, और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो बातें हैं ये इंसान, ये मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, ये बहुत बड़े मेरे एनिमी हैं, लाइक दैट वो खुद को फील करवा रही थी। यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देती हूँ, दैट प्लमिंग वन सेल्फ मीन्स कि खुद को सजाना, चास्टाइड यानी कि पनिश्ड, खुद को कुछ तो सजा करवाना, रीज यानी फिटेड आउट यानी कि प्रेजेंट करना, डमी का मतलब होता है कि जो पुतला है, सैटरिकल का मतलब हमने पढ़ा कि कुत्सित एंड पकर का मतलब पढ़ा कि चूनी, इस तरह से। सो लाइक दिस यहाँ पर ये वर्ड्स आए हैं एंड मीगर जो हमने वर्ड अभी देखा था थोड़ी देर पहले, उसका मतलब होता है कि पुअर यानी कि बहुत ही खुद को कम आंकना एंड लाइक दिस वो खुद को बहुत ही कम आंक रही थी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई फील लाइक सम डाउडी डेक्रिप्ट हॉरिबली डिंगी ओल्ड फ्लाई, शी सेड मेकिंग रॉबर्ट हेड एंड स्टॉप जस्ट टू हियर हर से दैट। और यहाँ पर अभी आगे जाके क्या होता है देखिए कि डिंगी का मतलब क्या है, DINGY, डिंगी मीन्स की ग्लूमी एंड ड्रैब, यानी कि जिसमें चमक नहीं है, और ये जो वर्ड आया है यहाँ पे डिक्रेपिट मीन्स एल्डरली यानी फीबल ड्यू टू एज, यानी कि बहुत ही उम्र ज्यादा दिखना। डाउडी का मतलब होता है कि स्पेशली ऑफ वुमन फैशनेबल एंड डल इन अपीयरेंस लैकिंग स्मार्टनेस एंड टेस्ट, यानी कि हम बोलते हैं ना कि जिसको सेंस ही नहीं है स्टाइल का, लाइक दैट्स वो लेडी वो खुद को फील करवा रही थी। अभी देखिए क्या होता है कि वो खुद को बोलती है कि मैं बहुत ही एक यानी कि निस्तेज यानी कि चमक नहीं है, एज ज्यादा दिख रहा है, ऐसी एक लेडी लग रही हो, एक ऐसी एक मक्खी में खुद को महसूस करवा रही हूँ, इस तरह से वो बोलती है। बट वहां पर कौन आ जाता है, रॉबर्ट हेडन ये सुन लेता है और वो स्टॉप वहीं पे खड़ा हो जाता है जस्ट टू रीअश्योर हरसेल्फ बेफ्लेस पुअर वीक नीड फ्रेज एंड सो शोइंग नाउ दैट शी वाज हाउ विटी दैट शी डिड नॉट फील इन द लिस्ट आउट ऑफ एनीथिंग। और रॉबर्ट हेडन जो है तो वो वहां पर ठहर जाता है और उसको लगता है कि इनको कुछ तो मोटिवेट करने की जरूरत है, नहीं तो इसको कुछ तो कॉमेडी करने की जरूरत है इसके साथ, नहीं तो ये खुद को बहुत ही कम आंक रही है सबसे। एंड ऑफ कोर्स रॉबर्ट हेडन आंसर्ड समथिंग क्वाइट पोलाइट क्वाइट इनसिंसियर विच शी सॉ थ्रू इंस्टेंटली एंड सेड टू हरसेल्फ डायरेक्टली ही वेंट अगेन फ्रॉम सम बुक लाइज लाइज लाइज। अब वहां पर वो जो रॉबर्ट हेडन है
सो उसने एकदम से कॉमेडी स्टाइल में एक उसको आंसर दिया कि सर, और वो उसको लगा कि ये कुछ तो झूठ 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 बोल रहा है. फॉर अ पार्टी मेक्स थिंग्स इधर मच मोर रियल और मच लेस रियल शी थॉट. और वो फिर से ये सोचने लगी कि पार्टी में ये सब कुछ जो है ये सब एक तरफा है, ये सब झूठा है, दिखावा है. शी सॉ थ्रू एवरीथिंग, वो सब देख रही थी. शी सॉ द ट्रूथ, उसको सच दिख रहा था. दिस वॉज ट्रू, अभी बोल रही है ये सच है. दिस ड्रॉइंग रूम, ये ड्रॉइंग रूम भी सच है. दिस सेल्फ, ये यहाँ पर सब कुछ सच है. एंड द अदर फॉल्स, और बाकी का जो सब कुछ है वो सब झूठ है. मिस मिलान्स लिटल वर्क रूम वॉज रियली टेरिबली हॉट स्टफ वी सॉ इट. और मिस मिलान का जो वर्क रूम था, ठीक है, तो वहां पर वो मिस मिलान का जो छोटा वर्क रूम उसको बहुत ही गर्म, हॉट, स्टफी और बहुत ही गंदा और बहुत ही वहां पर उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही गंदी स्मेल वहां पर है. इट्स स्मेल्ट ऑफ क्लोथ्स एंड कैबेज कुकिंग, वहां पर कैबेज कुकिंग करने का स्मेल वहां पर आ रहा था. एंड एट व्हेन मिस मिलान पुट द ग्लास इन हर हैंड एंड शी लुक्ड एट हरसेल्फ विद द ड्रेस ऑन फिनिश्ड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेज शॉट थ्रू हर हर्ट. और यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक सेकेंड में जब मिस मिलान वहां पर आ जाती है एंड वो उसको बोलती है, मिस मिलान उसके हाथ में एक ग्लास यानी कि आईना थमा देती है. एंड उसने फिर खुद को जो वो वहां पर ड्रेस था, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लिस शॉट थ्रू हर सफर्स्ड विथ लाइट शी स्प्रैंग इन टू एग्जिस्टेंस रीड ऑफ केयर्स एंड विथ लाइट शी स्प्रैंग इन टू एग्जिस्टेंस. और जो वो ड्रेस खुद पहन के आईने में देखती है तो उसके चेहरे पर, उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है और उसको लगता है कि मैं कुछ तो हूँ, रीड ऑफ केयर्स एंड रिंकल्स. उसको उसकी झुरिया भी नहीं दिखती. व्हाट शी हैड ड्रीम्ड ऑफ हरसेल्फ वाज देयर अ ब्यूटीफुल वुमन. और वो खुद को, मिस मिलान जो है, कि वो खुद को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन वहां पर फील करती है. जस्ट फॉर अ सेकंड शी हैड नॉट डेयर लुक लॉन्गर, मिस मिलान वांटेड टू नो द स्कर्ट. और यहाँ पर क्या होता है कि वो खुद को ज्यादा देर देख नहीं पा रही और मिस मिलान से उसको उस स्कर्ट्स के बारे में जान लेना था. ये फीलिंग जो थी ये अपनी मिस मिलान से उसको जाननी थी. देयर फॉर लुक्ड एट हर फ्रेम्ड इन द स्क्रॉपलिंग महोगनी. स्क्रॉपलिंग मीन्स वॉट, कैरेक्टराइज बाय और पोजेसिंग हेवी फ्लोरल ऑर्नामेंट ऑफ वर्ड कॉइन्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ. यानी कि यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है कि जो हम हैं, ठीक है, यानी कि एक अलग काइंड ऑफ जो एक चौकट रहती है, ग्रे वाइट मिस्टरियसली स्माइलिंग चार्मिंग गर्ल, द कोर ऑफ अवर सेल्फ, द सोल ऑफ अवर सेल्फ. एंड इट वाज नॉट वैनिटी ओनली, नॉट ओनली सेल्फ लव दैट मेड हर थिंक इट गुड टेंडर एंड ट्रू. तो यहाँ पर वो बोल रही है कि जो एक मिस्टरिकल मिस्ट्री स्माइल है या फिर आकर्षक जो दिखना है या फिर जो यहाँ पर ये सारे स्टोन्स बिखरे पड़े हैं, दैट वो उसको खुद को अच्छे लगने चाहिए. मिस मिलान सेड दैट द स्कर्ट कुड नॉट वेल बी लॉन्गर. इफ एनीथिंग द स्कर्ट, सेड मिस मिलान पकड़िंग हर फोरहेड कंसिडरिंग विथ ऑल हर विट्स अबाउट हर मस्ट बी शॉर्टर. एंड शी फेल्ट सडनली ऑनेस्टली फुल ऑफ लव फॉर मिस मिलान, मच मच फॉन्डर ऑफ मिस मिलान देन ऑफ एनी वन इन द होल वर्ल्ड. तो अभी यहाँ पर वो मिस मिलान बोलती है कि ये स्कर्ट ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा वो छोटा होना, थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए था. मिस मिलान अपने जो फोरहेड पर है वो एकदम क्वेश्चन मार्क आ जाता है और बोल देती है कि हाँ, मैं पूरे दिल से ये बोल रही हूँ. और फिर जो हमारी यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैबल, मैबल बहुत खुश हो जाती है जब मिस मिलान उसको बोलती है कि ड्रेस थोड़ा शॉर्टर होना चाहिए था, ये बहुत ही लॉन्ग हो गया है. तो उसको बहुत ही ऐसा लगा कि मिस मिलान के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं जो उसको समझ में ले सकता है. एंड कुड हैव क्राइड फॉर पिटी दैट शी कुड बी क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर विथ हर माउथ फुल ऑफ पिंस एंड हर फेस रेड एंड हर आईज बल्गिंग दैट वन ह्यूमन बींग शुड बी डूइंग दिस फॉर अनदर. और उसको इतना अच्छा लगता है कि मिस मिलान को वो जाकर एक टाइट हग करे और जोर जोर से रोए और उसको बताए कि हाँ, आप ही हैं वो जो मेरे लिए ये सब कर रही है, मुझे ये बता रही है. एंड शी सॉ देम ऑल एज द ह्यूमन बींग्स मेरिली एंड हरसेल्फ गोइंग ऑफ टू हर पार्टी. और उसको ऐसा लगता है कि सबने सिर्फ उसकी तरफ ही नहीं देखना चाहिए तो पार्टी के लिए भी जाना चाहिए. एंड मिस मिलान पुलिंग द कवर ओवर द
कैनरीज केज और लेटिंग हिम पिक अ हेम्प सीड फ्रॉम बिटवीन हर लिप्स। और ये सब मिस मिलान का जो एक कैनरी पंछी होता है वहां पर, उसका जो पिंजरा होता है, उसका जो पर्दा होता है वो निकाल देती है और उनके मुंह से एक बात आ जाती है, एंड द थॉट ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड इट्स पेशेंस एंड इट्स एंड्यूरेंस एंड इट्स बीइंग कंटेंट विद सच मिजरेबल स्कैंटी सॉर्डिड लिटिल प्लेजर फिल्ड हर आईज विद टीयर्स। और ये सब देखकर उनके मैबल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड नाउ द होल थिंग हैड वैनिश्ड। अभी सब बातें तो साफ हो चुकी है, द ड्रेस, द रूम, द लव, द पिटी, द स्क्रॉलोपिंग लुकिंग ग्लास एंड द कैनरी केज ऑल हैड वैनिश्ड। और यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि अभी ये जो कैनरी पंछी का जो ये पिंजरा है और यहाँ पर ये जो ड्रेस है और ऑल थिंग्स यहाँ पर अभी वैनिश्ड या फिर गायब हो चुके हैं। एंड हर शी वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ मिसेस डॉलोवेज ड्रॉइंग रूम सफरिंग टॉर्चर्स वो कॉन वाइड अवेक टू रियलिटी। और अब वो रियलिटी को फेस कर रही है, बट इट वॉज ऑल सो पाल्ट्री। और अभी ये सब बातें जो है वो उसको सब पाल्ट्री लग रही है एंड उसको ऐसा लग रहा है वीक ब्लडेड एंड पिटी माइंडेड टू केयर सो मच एट हर एज विद टू चिल्ड्रन टू बी स्टिल सो अटरली डिपेंडेंट on people's opinion and not her principles or convictions, not to be able to say as other people did, there is Shakespeare, there is death, we were all weevils in a Captain Biscuit or whatever it was that people did say. So students, यहाँ पर देखिए बहुत सारे words यहाँ पर आ गए हैं, सभी words का मैं आपको meaning बता देती हूँ। That she is saying, but it was all paltry, कि ये जो सब बातें हैं, ये जो सब बातें यहाँ पर हो रही हैं, ये सब बकवास बातें हो रही हैं। एंड वीक ब्लडेड एंड पिटी माइंडेड टू केयर सो मच एट हर एज विद टू चिल्ड्रन। और वो ऐसा सोचती है यहाँ पर कि जो शेक्सपियर की बातें उसको याद आती है, लाइक देयर इज डेथ वी वर ऑल वीविल्स, कि वो डेथ है और हम सब उस कैप्टन के वो जो बिस्कुट है उसमें, कैप्टन के बिस्कुट में जूझ रहे कीड़े मकोड़े हैं। और ऐसा वो एक सेंटेंस उसको याद, एक ये शेक्सपियर की बात उसको याद आ जाती है, वो और वट एवर वट एज दैट पीपल डिड से, और जो बातें बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। She faced herself straight in the glass. वो खुद को आईने में देखती है। She pecked at her left shoulder. वो अपना दाहिना कंधा उठाती है। She issued out into the room. वो अंदर की तरफ चली जाती है। As if spears were thrown at her yellow dress from all sides. और वो अपने ड्रेस को चारों तरफ से देखती है। But instead of looking fierce or tragic, as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. She looked foolish and self-conscious and simpered like a schoolgirl and slouched across the room, positively slinking as if she were a beaten mongrel and looked at a picture and engraving as if once went to a party to look at a picture everybody knew why she did it. It was from shame, from humiliation. So यहाँ पर बहुत सारे hard words है students, देखिए पहले मैं आपको इसका meaning बता देती हूँ कि आईने के सामने देखकर उसने खुद को देखा, अपना दाहिना खंधा उसने चूमा and वो जो पीला कलर का ड्रेस जो है तो उसको ऐसा लगा कि ये ड्रेस पकड़ के वो अंदर की तरफ चली जाए और उसके सामने उसके बाजू में जो रोज छा थी, सो वो रोमन साम्राज्य की एक रानी की उपमा उसने उसको दी है, उसकी तरह उसको दिख रही है, लेकिन वो बहुत ही भयानक दिखने की बजाय बहुत ही इडियट दिख रही थी एंड एक स्कूल गर्ल की तरह वो अपने यानी कि वो हंस रही थी, एक छोटी हंसी वो दे रही थी, वो उसने गर्दन झुकाकर फिर वो अंदर की तरफ चली गई। उसका ऐसा लगा कि किसी ने तो मारा है या फिर किसी कुत्ते को जैसे घसीट कर ले जाते हैं उसकी तरह उसको फील हो रहा था। और एक जो एक नक्शी काम होता है कि जिसकी तरफ यानी कि एक जो एक ड्राइंग रहती है, पेंटिंग रहती है, इस तरह से उसकी तरफ देखती रहे, ऐसी भावना उसके मन में यहाँ पर आ जाती है। And now the flies in the saucer, she said to herself, right in the middle and can't get out. In the milk, she thought, rigidly staring at the picture, sticking its wings together. और उसको ऐसा लग रहा था कि अब उस जो कप है, सॉसर है, जो डिश है, यानी कि उसमें मैं एक मक्खी की तरह दिख रही हूँ जो अंदर की तरफ गिरी है, जो उस दूध में गिरी है, और मैं सिर्फ
इधर उधर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे पंख एक दूसरे को वो दूध की वजह से चिपक के बैठे हैं, इस तरह की फीलिंग उसको आ रही थी। इट्स सो ओल्ड फैशन, शी सेड टू चार्ल्स बर्ट, मेकिंग हिम स्टॉप, विच बाय इट्स सेल्फ ही हेटेड ऑन हिज वे टू टॉक टू समवन एल्स। और वो ये सब बातें उसको बहुत ही बेतुकी, ऐसा लग रहा था सब ओल्ड फैशन है। यानी कि ये लेसन में इतना डिप्रेस्ड हुआ, इतना बुरे, इतने निगेटिव थॉट्स इस लेसन में दिखाए गए हैं कि उसको कुछ लिमिट ही नहीं है। हाउ निगेटिव द कैरेक्टर अबाउट हर सेल्फ, यानी कि वो खुद के बारे में कितना निगेटिव सोच रही है, इसकी कोई लिमिट ही इसमें नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए कि सिंपल मीन्स वॉट, स्माइल्ड इन एन अफेक्टेडली कॉय और इनग्रेटिंग मैनर, यानी कि गाल ही गाल में मुस्कुराना। स्लाउच्ड यानी कि स्टूड मूड और सैट इन अ लेजी ड्रूपिंग वे, यानी कि मन में इच्छा नहीं है ऐसे खड़े रहना। स्लिंगिंग का मतलब है मूविंग क्वाइटली विथ लीडिंग स्टेप्स, यानी कि इधर उधर घूमना लेकिन वैसा कुछ मन में नहीं है इस तरह से, यानी कि ह्यूमिलेट, यानी कि खुद को इस तरह से वो ह्यूमिलेट करवा रही थी। फ्रॉम ह्यूमिलिटेशन, यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि बहुत ही ज्यादा ये जो हमारी मेन कैरेक्टर मेबल है बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुकी है, बहुत ही नाराज हो चुकी है, और वो हर एक सेंटेंस में, हर एक लाइन में, हर एक पैराग्राफ में उसने खुद के बारे में सिर्फ बुराई सोचा है, बुराई फील किया है। उसको बाकी के लोग भी ऐसे लगते हैं कि सब लोग इडियट है जो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। वो खुद को बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस कर रही है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, कि आगे जाके क्या होता है, क्या उसके थॉट्स बदल सकते हैं या फिर उसके थॉट्स पर उसको कुछ अच्छा एक बदलाव आ सकता है या नहीं, सेकेंड पार्ट में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।